हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के हमारे ये वीकली एनालिसिस में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने खुला हुआ वीकली चार्ट निफ्टी का। तो यहाँ पे देखेंगे जो उसने स्विंग लिया है वो बिल्कुल लिया है अपने प्रॉपर एक सपोर्ट से, जिसके पास वो आया भी नहीं था ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे आना एक बार लाजमी था और यहाँ आके बाउंस लेना भी लाजमी था। ये हो गया बेसिक टेक्निकल, और यहाँ से इसने जंप भी लिया। और कल का आपने दिन देखा, पिछली वीक आपने देखी कैसी ली, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा तो रहा है, वैसा रहेगा भी, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसा नीचे आता है फिर ऊपर जाएगा तो उसको हर एक बार रेजिस्टेंस हिट करना पड़ेगा, तो उसको टाइम लगेगा। जब तक वो अपना लाइफ टाइम हाई नहीं निकालता तब तक वो फ्री फ्लो में ऊपर सीधा नहीं जा सकता। एक चीज़ आप समझ लीजिए, कभी भी कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर मार्केट नीचे आता तो ऊपर जाते वक्त उसको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देख रहा है कि अभी हम इसके लिए कैसा है, बुलिश है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट लेके अभी ये ऊपर की ओर जा रहा है। जब तक इसके नीचे कोई भी क्लोज ना हो हम बियरिश नहीं होने वाले। पॉइंट नंबर वन, बियरिश होने के लिए इसके नीचे डेली की दो कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम नीचे आएंगे। और पहला जो हमारा बनेगा लेवल वो बनेगा सीधा 14,500 का, और उसके नीचे 13,500 तक भी हम जा सकते हैं अगर यहाँ से नीचे आए तो। और 5 महीने और बिगड़ेंगे टाइम वाइज करेक्शन, ये बात भी पक्की है। इसकी मैं बातें आपको टेलीग्राम में भी बताते रहता हूँ डेली अपडेट, तो अभी तक आप उसमें ज्वाइन नहीं है तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों 1 घंटे के चार्ट की, जहाँ पे हमको स्विंग ट्रेड करना है। वीकली चार्ट हो गया हमारा व्यू के लिए। व्यू हमारा कौन सा? अभी व्यू हमारा है बुलिश। क्यों बुलिश है? आपने देख लिया कि प्रॉपर सपोर्ट से अभी ऊपर आया है। अगर यहाँ से अगर हम देखिए तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिए, आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर ही देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, ये एक तरह का बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो है क्या है, वो कॉमन है, लेकिन जो सपोर्ट है ऊपर की ओर खिसकता आ रहा है, यानी कि जो बायर है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। और एक टाइम आएगा कि 1-2 दिन में ही यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा नीचे या ऊपर, लेकिन ऊपर के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि हम बुलिश हैं। और क्यों बुलिश है उसका रीज़न मैं आपको दिखा दिया, तो चांसेस ऊपर के ज़्यादा है। अगर आया तो आपको पहला लेवल यहाँ तक देखने को मिलेगा, इतना बड़ा गैप हुआ था, तो ये गैप रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा ही करेगा, और यहाँ पर आके एक बार वो रुकेगा ही रुकेगा, और 1-2 दिन यहाँ पर भी स्पेंड करेगा, फिर यहाँ से निकलेगा। ये कहानी अभी निफ्टी की 15 मिनट में चार्ट में जाके आपको बताते हैं कि आपको अल्टीमेटली इंट्राडे में क्या करना है। ये हो गया पोजिशनल के लिए कि इसके ब्रेकआउट के बाद आपको जाना है। इंट्राडे में देखेंगे तो वो भी अल्टीमेटली सेम ही दिख रहा है कि उसके पहले हमको कुछ हलचल यहाँ पे करनी नहीं है, बहुत ही अच्छे मूवमेंट ले रहा है। अगर यहाँ पे होगा क्या, एक चीज़ समझिए, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि सीधा निकाल देगा। अगर गैप डाउन होगा तो फिर से यहाँ पे नीचे आएगा और फिर निकलेगा, ये बात भी पक्की है। अगर गैप अप हुआ, इसके ऊपर गैप अप हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा नीचे रेजिस्टेंस टच करेगा सपोर्ट बना के फिर ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट नंबर वन। अगर स्मॉल गैप अप हुआ तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हुआ तो साइडवेज के चांस भी बन सकते हैं स्मॉल गैप अप में। बड़े गैप अप में चांस है कि आपको एक तरह का यहाँ पे आए नीचे आए फिर ऊपर जाता हुआ देखिए, थोड़ा बहुत ट्रेंड नहीं देखने को मिले, लेकिन बेस्ट ट्रेंड देखेगा आपको जब ये फ्लैट खुले तब, आपको प्रॉपर मजा आएगा। प्रॉपर ट्रेड लेने में भी आपको मस्त लोग उठाना मजा आएगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का दोस्तों। अभी देखेंगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो उसका, अगर मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उसका रीज़न है क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना पिछला जो लो था बड़ा वाला वो नहीं तोड़ा, जबकि निफ्टी ने यहाँ पे जो लो लगाया था उसको तोड़ के नीचे आ गया था, वो आपने देखा होगा। तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली वीकली चार्ट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। उसका दूसरा रीज़न भी है कि बैंक निफ्टी उतना चला नहीं था जितना निफ्टी चला है नीचे से, तो उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे निफ्टी को बाई तरफ से, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते तो वो भी सपोर्ट से ऊपर आया, तो उसके लिए भी हमारा व्यू बुलिश है। इसमें अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाता है प्रॉपर आपको यहाँ पे लेवल देखने को मिलेंगे। एक अच्छी बड़ी रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, देखिए बहुत ही बड़ी रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। निफ्टी भी है लेकिन निफ्टी का जो सपोर्ट है ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कम देखने को मिल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। ये जो लेवल है ये आपके लिए बन जाता है क्रूशियल। इसके नीचे अगर एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो सीधा आपको 32,500 का डायरेक्ट लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्राई हो सकता है खड़ा है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि सीधा नीचे आ जाए, क्योंकि अब इसका जिस तरह का स्ट्रक्चर, इसको अभी नीचे आना नहीं चाहिए। अगर आएगा तो कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ होगी या फिर कुछ ना कुछ माहौल होगा ग्लोबल मार्केट में, तभी आएगा। तो आएगा तो स्पीड से इसको भी काट देगा, ये बात भी है। यहाँ पर भी बेस्ट सिनेरियो है कि फ्लैट खुले और इसको काट जाए, इसको काट देगा तो सीधा आपको देखने को मिलेंगे 34,300 के दर्शन आपको होते हुए मिलेंगे। फिर यहाँ पे जो रजिस्टेंस का कोई मायना नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत रजिस्टर निकल रहा है, तो ऊपर वाला ही ज़्यादा जो रजिस्टर का बिहेव करेगा, ये वाला जो है वो बिहेव नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे निफ्टी भी बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड किया था, तो ये वाला इतना ज़्यादा रजिस्टर का बाम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा नीचे भी नहीं आया था उस दिन, ऐसा वॉल्यूम भी नहीं दिखा था।
इसलिए गैप डाउन हुआ तो क्या हो सकता है, ये जो लेवल मैंने बताया वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ पे क्या कर सकता है, वॉल टाइप टू साइडवेज डे बना सकता है। गैप अप हुआ तो सेम चीज़ अगर इसके ऊपर हुआ तो थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ पे वॉल टाइप डिफिट करके अगर थोड़ा बहुत गैप होता है तो फिर यहाँ पे चांस के इसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं वॉल टाइप डे बिता दे, फिर यहाँ पे रजिस्टर काम करेगा, बॉक्स बनाएगा, फिर वहाँ से निकले का काम करेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम बताएं तो जहाँ पे है उसके हिसाब से बुलिश चांस के ज़्यादा है, तो आपको बुलिश ट्रेड के लिए ज़्यादा जाना है। और टेलीग्राम में ट्रेड देता रहता हूँ, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जुड़ जाइए। थैंक यू।